क्या सबक मिलता काबे में पैदे पैदा होंगे और मस्जिद में शहादत होंगे, क्या मैसेज है? सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर अली को चाहते हो तो अपनी जिंदगी में नमाज को शामिल करो, अगर हुसैन को चाहते हो तो अपनी जिंदगी में नमाज को शामिल करो, अगर वारिस को चाहते हो तो अपनी जिंदगी में नमाज को शामिल करो। गुस्से में जलाल में आकर उन्नाव में फरमाए थे कि सुना सुना जो नमाज नहीं पढ़ता वो हमारे हल्के गए से खाली है, क्या आपकी जिंदगी में नमाज शामिल है? तो मलाइकाना से जरा भी प्यार है, जरा भी उनकी सीरत को अपनाइए, उनका उसमें हसना क्या था, उनका तरीका क्या था, उसका ऐसे खाली हुसैन हुसैन कहने से अली अली कहने से मैंने सुना था कुछ नहीं हुआ, उनका तरीका क्या था, गरीब नाथ का तरीका क्या था, वारिस का तरीका क्या था, जितने भी औलिया हैं जो भी नबी और आले नबी से प्यार करते हैं उनका तरीका देखिए, अगर उनका तरीका जरा सा भी तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाए तो फिर तुम्हारी जीवन में और तुम्हारी मौत में और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी कब्र में बाहर आ जाए, तो अगर बाहर चाहते हो जीवन में भी और मौत में भी और कब्र में भी तो अली की इत्तेबा करो, सिर्फ अली अली कहने से तो कुछ नहीं होता, हुसैन की इत्तेबा करो जिसका सर नेज़े पे सवार होकर भी कुरान पढ़ता है, आप अपना मुहासबा कीजिए कि कुरान की तो साल में कितनी बार पढ़ते हैं, कुरान पढ़ी जिसके घर में कुरान नाजिल हुआ उसका जश्न मनाने के लिए पहले तो तिलावत कुरान से उसका उसकी शुरुआत होनी चाहिए, जिसके घर में कुरान नाजिल हुआ जिसने कुरान के लिए पूरा खानदान कटवाया उठ नहीं किया, ऐसा मर्द इमाम हुसैन, ऐसा मर्द मौलाए कायनात कि पूरा खानदान शहीद हो गया लेकिन बीपी नहीं बढ़ा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, हार्ट अटैक नहीं हुआ, क्या था, कौन सी शक्ति थी उनके पास, कौन सी ताकत थी, ये सारी चीजें हो गई लेकिन तब कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ उसका, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो नबी और आले नबी का घराना है जिनके सामने सब कुछ सामने दिखता है, जीवन भी और जीवन के बाद की घटनाएं भी उनके सामने है, सब देखते थे कि हमारा क्या मकाम है और हमारे दुश्मनों का क्या मकाम है, देखते हैं, इसलिए कोई चीज उनको लिया नहीं सकती, तो ऐसा ही प्यार होना चाहिए और प्यार की ये दलील है कि आशिक अपने मासूम की इत्तबा करता है जाहिर में भी और बाकी में भी, वो भी चीज सीखो कि हुजूर मौलाए कायनात जब घोड़े पर सवार होते थे तो एक पैर अकाब में रखते और दूसरे तरफ अकाब में पैर रखने से पहले अपना कुरान खत्म हो गया, वो भी सीखो, तो कौन सी नमाज थी जो खातिन जन्नत फरमाती है मौला तो कोई एक रात तो बड़ी कर दे, कोई एक रात ऐसी बना दे जिसमें फातिमा की दो सजदे अदा हो जाए, तो इतनी छोटी छोटी रातें बनाता है जिसमें फातिमा का एक ही सजदा होता है और सुबह हो जाता है, नमाज भी सीखा, तो कौन सी ताकत थी जो नेजे पर कटा हुआ सर कुरान को है, क्या पढ़े, वो कौन सी ताकत थी गरीब नवाज ने कासिम पूरा आना सागर बल्कि पूरे राजस्थान के तमाम कुओं का पानी खींच लिया, क्या थी? आज इस पर रिसर्च नहीं हो रही, इस पर कोई बात नहीं करता, खूब जश्न मनाइए खुदा करे, और कोई मनावे या ना मनावे खुदा तो मनाता ही रहेगा,
जो मनाए या ना मनाए पर इसके तो मनाते ही रहेंगे। लेकिन जश्न मनाने से पहले आप अपना मुहासबा जरूर कीजिए, रात में जब लेटिए तो अपना मुहासबा जरूर कीजिए, यही ईमानदारी है और इससे आगे कुछ नहीं। जो महाराज में बदल रहे